नाम और बिजनेस बताओ। मेरा नाम प्राण शर्मा है और मैं सोशलिस्ट यूनिटी संघ ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट का सेक्रेटरी हूँ दिल्ली से। सर आज का प्रोटेस्ट आपका किस लिए? आज का प्रोटेस्ट है मेनली जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत, खासकर पेट्रोल डीजल और जो LPG पर इन्होंने 50 रुपीज़ लगा दिया है। तो ये तो ऑलरेडी जो लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं उन पर एक बहुत बड़ा हमला है। हम समझते हैं कि ये जो दुहाई दे रहा है गवर्नमेंट कि अंतर्राष्ट्रीय जो कच्चा तेल की कीमतें बढ़ रही हैं ये एकदम गलत है। बढ़ रही हैं लेकिन ये जो UPA के ज़माने में हुआ था $153 पर बैरल और अभी कितना हो रहा है, अभी तो $75 पर बैरल हो रहा है। उस समय भी 80 तक गया था, अभी भी वही 80 बरकरार है। सर आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हैं, एक तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो उठा पटक चलती है ये जो कच्चे तेल की कीमतों में, उससे लोगों को राहत दे, उसके साथ लिंक ना करें। ये हर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लोग उससे प्रभावित ना हों। और दूसरी बात है जो यहाँ तेल की कीमतें हैं, तेल की कीमतों पर सबसे ज़्यादा जो अंश उसका है वो है टैक्सेस का, उससे टैक्सेस हटा दिए जाए। लगभग 100% टैक्सेस हैं उस पर और तेल की कीमतें जो हैं डबल हो रही हैं लगभग टैक्सों के कारण, तो वो टैक्स हटाए जाए और लोगों को राहत दी जाए। बल्कि मेरा नाम है कॉमरेड रमेश और मैं दिल्ली राज्य कमेटी SUCI का सदस्य हूँ। सबसे बड़ी बात जो आज हम ये जो प्रतिवाद कर रहे हैं, ये एकमात्र हमारी पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान में कॉल दी है कि इनके खिलाफ़ एक रेजिस्टेंस मूवमेंट तैयार किया जाए और पब्लिक के प्रेशर से, जन आंदोलन के प्रेशर से सरकार को मजबूर किया जाए कि ये चीज़ें, ये पेट्रोल के दाम कम किए जाएँ। क्योंकि देखिए पेट्रोल के दाम सिर्फ पेट्रोल के दाम नहीं है, इसके साथ इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, चीज़ें तमाम चीज़ों की महंगाई से बढ़ती है, तमाम चीज़ों की महंगाई। ये कोई इसके लिए कोई अर्थशास्त्र का ज्ञाता होने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ जब बढ़ेंगे, फ्यूल का जब चार्जेज जब बढ़ेंगे, तो जब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी मार जो की गई है वो की गई है जो LPG के दाम जो 50 रुपये सिलेंडर बढ़ाए हैं, ये इट इज़ ए क्रूअल अटैक ऑन दी पब्लिक। ये गृहणियों के तो कहते हैं ना उज्ज्वला और ये वो जो ढोंगबाजी करते हैं, ये सबसे बड़ा अटैक किया गया है रसोई के ऊपर कि ईंधन को आप गैस सिलेंडर को आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आप कह रहे कि हमने इतने सिलेंडर फ्री बांट दिए। इससे बड़ी बकवास और क्या हो सकती है, जुमलेबाजी और क्या हो सकती है। दिस ऑल जुमला गवर्नमेंट, इसीलिए हम इसका प्रतिवाद करते हैं और इस बात की मांग करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी की दुहाई देना बंद करो और ये जो तुमने जो घपला किया है 2 लाख करोड़ रुपए का, जो 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 पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमत के साथ जोड़ रहे हो, तो इसमें ईमानदारी तो बरतनी चाहिए थी। तुमने जो है वो 17 रुपये जो है वो एक्साइज बढ़ा दिया 21 रुपये एक्साइज बढ़ा दिया, ये कोई मतलब कोई जस्टिफिकेशन है? कोई पब्लिक के प्रति कोई संवेदना है? तुम वैसे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की दुहाई दे रहे हो लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम हुई तो तुमने फटाक से एक्साइज बढ़ा दिया। इट्स ए टोटल क्रूअल अटैक ऑन द पीपल और इससे उनका जीवन जो पहले से महंगाई से जो त्रस्त है, वो महंगाई का और भी मार और भी बढ़ाने का काम किया है। और ये जो नारा दे के आई थी बहुत ही पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार, बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो बहुत ही मोदी सरकार, इसे छुटकारा दिलाओ, यही हम लेके कि इस सरकार को मजबूर किया जाए, इन पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को GST के तहत लाया जाए। और गोवा का चुनाव था, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां भी चुनाव हुए हर जगह चर्च ने एक ही स्टैंड लिया कि कांग्रेस को जिताना है और भाजपा को हराना है। जितने भी आर्क बिशप हैं वो पोप के इशारे पर काम करते हैं। हमारा स्पष्ट आरोप है
ये वेटिकन का दखल है भारत की राजनीति में, और वेटिकन अपने इशारे पर काम करने वाली सरकार को लाने में रुचि रखता है और भारत का चर्च उसके इशारे पर काम करता है। कौन से संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्या नहीं है? यदि नहीं होता तो क्या इतना बोल पाते, क्या इतने झूठे आरोप लगा पाते? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब अपने विचारों का बोलना है। यदि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना है, उनके लिए गालियां लिखना है, हिंदू धर्म के लिए अपमानजनक शब्द लिखना है, ये सब साहित्य वो छापते हैं। दक्षिण से लेकर उत्तर तक मूर्तियां तक जलाई हैं लोगों ने, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग है और उसके लिए कानून भी रोकेगा, समाज भी रोकेगा।